राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिम्युलेटर के जरिए तेजस में भरी उड़ान, अनुभव को बताया अद्भुत। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की महिला मित्र के आईएसआई कनेक्शन की होगी जांच। राज्यपाल सतपाल मलिक को महबूबा मुफ्ती ने भेजा कानूनी नोटिस। एनसीबी की पूछताछ में अनन्या पांडे ने ड्रग लेने से किया इनकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पूर्व स्वर्गीय सांसद राजनारायण बुधोलिया के त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमीरपुर पहुंचे, जिसके बाद सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यमुना पुल पर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। सपा द्वारा छोटे दलों से गठबंधन कर सरकार बनाने के दावों का उन्होंने कटाक्ष किया। पठन पाठन की प्रक्रिया प्रत्येक विद्यालयों में बेहतर तरीके से सुचारू रूप से शुरू हो सके, इसकी इन्होंने पूरी व्यवस्था की है। संस्कृत विद्यालयों में जो अध्यापकों की कमी है, मुझको लगता है कि जल्द ही वो एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी और पठन पाठन का एक नया दौर हमारे बुंदेलखंड में शुरू होगा। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, एक्सप्रेस वे बनने के बाद और अधिक जमीनों की कीमत बढ़ेगी। आज विद्युत की व्यवस्था यहाँ पर सुधरी है और ये हम कह सकते हैं डिफेंस कॉरिडोर एक नया संदेश पूरे बुंदेलखंड के लिए लेकर आने वाला है। अभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जो स्नातक परीक्षाएं थी उसमें कुछ शिकायतें मिली थी कि हम तो कमाए हैं। मैंने उनके जनरल प्रमोशन के लिए कहा है कि बच्चों को प्रमोट किया जाए, जो नियम के अनुसार विधिक कार्रवाई है वो कुलपति करें, इसके निर्देश उनको दिए गए हैं कि बच्चों के जीवन के साथ कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए हमने कहा है कि एक लिबरल एटीट्यूड नियमों के अंतर्गत हो, नियमों का उल्लंघन भी ना हो और कोरोना का जो संक्रमण का प्रकोप है उससे उनकी मजबूरी को भी समझा जाए। बुंदेलखंड के विकास की अवधारणा तेजी के साथ में बढ़ी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि साथ ही शारदा नगर बैराज गेस्ट हाउस में जिले के उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, गहनता से बाढ़ ग्रस्त इलाकों के बारे में उन्होंने जानकारी दी, जिसको लेकर मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में बहुत अधिक बारिश होने के चलते शारदा और घाघरा नदी में 5,47,226 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के चलते पलिया धौरहरा इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री इस वक्त पहुंचाई जा रही है, साथ ही प्रशासन भी हर संभव मदद में लगा हुआ है। एरियल सर्वे किया है, कल भी मैं पीलीभीत गया था, आज मैं लखीमपुर में हूं। आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारी वर्षा हुई, अतिवृष्टि हुई, बादल फटे और बहुत बड़ा जो पानी वहाँ से आया हुआ है, अब तक के इतिहास में 90 सालों में सबसे ज़्यादा पानी शारदा में आया और घाघरा में आया है, जिसके कारण से हमारे कई जिले प्रभावित हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज मैं लखीमपुर में आया हूं। मैंने एरियल सर्वे के माध्यम से पलिया से लेकर के और धौरहरा तक सभी चीज़ों को, गांवों को देखा है। बहुत सारे गांव हमारे चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं, कुछ गाँवों में पानी गाँव के अंदर चला गया है, कुछ घरों में पानी चला गया। वहीं सहारनपुर में गुजर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक नोटिस चस्पा किया है, जिसमें गुजर समाज के लोगों ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को दादरी कॉलेज में गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण पर गुजर शब्द पर कालिक पोत कर सम्राट और समस्त गुजर समाज अपमानित कर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके जातीय संघर्ष का इसे रूप दिया गया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी गलती पर माफी मांग कर पुनः गुजर शब्द लिखवाने की मांग की है। साथ ही गुजर समाज के लोगों ने मांग की है कि भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाई जाए या फिर सेना में जाति नाम जो है वो हटा दिया जाए।
देखिए डीएम साहब से कई बार वार्ता हो चुकी, कई बार। असल में डीएम साहब के भी हाथ में कुछ नहीं है, ये करा धरा सारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा है। प्रशासन तो जिसकी सरकार होगी उसकी बोलनी उन्हें बोलनी है, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जिन्होंने गुर्जर समुदाय पर काली पोतने का काम किया है। आज हमने कुछ यहाँ मांगे रखी है नोटिस के माध्यम से, और 31 अक्टूबर तक अगर हमारी मांगे सरकार नहीं पूरी करेगी तो 31 अक्टूबर को गुर्जर भवन दिल्ली रोड पर पूरे देश का गुर्जर इकट्ठा होगा, सर्व समाज इकट्ठा होगा, और वहां ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो मौजूदा सरकार। वहीं अलीगढ़ के नेशनल हाईवे स्थित पनेठी अकराबाद के बीच अवैध वसूली का कारोबार पुलिस के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी पूर्व में भी ऑडियो के साथ एक वीडियो वायरल हुई थी। इसी को लेकर एक मामला पुलिस के सहयोग से क्षेत्र फाइनेंस कर्मियों द्वारा अवैध उगाई का मामला प्रकाश में आया है, जहां पुलिस कथित फाइनेंस कर्मियों को पूर्ण रूप से सहयोग देकर रोड पर दौड़ रहे वाहनों से जबरन रुकवाकर वसूली कर रही है। वसूली करने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस चौकी पर हंगामा करते हुए वह धरने पर बैठ गए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब खबर आगरा से है, जहां पर आगरा के पिनाहट क्षेत्र के नयावास गांव में स्कूली बच्चों से भरी बस तालाब में पलट गई। आपको बता दें कि जिसके बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। हालांकि शोर सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े और ग्रामीणों की सजगता से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि तालाब का पानी सड़क पर ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को कोसते दिखे और बताया कि गांव में लंबे समय से विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा देखने को मिला है। वहीं गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 22 माह से लापता बीटेक के छात्र को सकुशल बरामद कर लिया है। बता दें कि परीक्षा में पेपर खराब होने के बाद परिजनों की डांट फटकार के डर से छात्र खुद ही लापता हो गया था। इस मामले में परिजनों की शिकायत पर कैंट थाने की पुलिस ने साल 2018 में गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। वहीं लापता छात्र के आधार कार्ड पर गुजरात में एक मोबाइल सिम खरीदा गया था, जिस पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके मौके पर पहुंचकर युवक की पहचान की और उसे सकुशल बरामद कर लिया। गोरखपुर का एक लड़का था, थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग में पढ़ता था। एग्जाम ना अच्छे होने की वजह से वो घर छोड़ के चला गया था। इस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 1081/18 धारा 364A में लिखी गई थी। इसकी विवेचना की गई थी और उसमें बाद में कुछ भी उसमें प्रोग्रेस नहीं था, तो इसमें FIR लगाया गया था क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अभी कुछ समय पहले दोबारा इनके भाई ने कप्तान साहब से संपर्क किया तो इसका दोबारा पता किया गया, तो उसके आधार कार्ड पर एक सिम लिया गया था और एक टेलीग्राम ग्रुप एक्टिव हुआ था। इस जानकारी पर दोबारा इसकी विवेचना प्रारंभ की गई और सर्विलांस टीम की मदद से पता चला कि राजकोट गुजरात में लोकेशन आ रहा है। वहाँ पर जाने के बाद जब पता किया गया तो उस शक्ल का एक व्यक्ति पिज़्ज़ा हट 150 फीट रोड नियर बिग बाज़ार राजकोट यहाँ कार्य कर रहा था, वहाँ से इनको बरामद किया गया है और भी इलाके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया है लड़का। वहीं हाथरस जंक्शन के ग्राम नगला कैशो में गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि गांव में नाले और नालियों की साफ सफाई न होने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से गांव में महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। आए दिन गांव में बीमार लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं गांव के लोगों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए गांव में एकत्रित होकर प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, साथ में प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को बताया। अरे यहाँ 2 महीने से तो सफाई वाला नहीं आ रहा, मैं खुद निकाल के ये कूड़ा कचरा नाली में से मैं खुद निकालता हूँ और रोजाना देखते हैं गांव के लोग। सफाई कर्मचारी लगभग 2 महीने से नहीं आ रहा यहाँ पे। वही केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संभव मदद देने की बात करती है, लेकिन कुछ दिनों पहले किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बारिश का कहर टूटा है तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कमी ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। जालौन के कोंच में भी खाद की किल्लत इस कदर है कि किसान खाद बिक्री केंद्रों के बाहर खाद खरीदने के लिए घंटों लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। कोंच में किसान यूरिया और DAP खाद की किल्लत से परेशान है। अभी गेहूं, आलू, बेजर, लाही, चना, मटर में खाद का इस्तेमाल होना है, लेकिन किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
वहीं अगर हम बात करें तो अगली खबर जालौन की है, जहां सरकार के आदेशों की सरकारी कर्मचारी पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कालपी तहसील के भगौरा गांव से सामने आया है, जहां गांव के सचिव ने गरीब विकलांग महिला को सरकारी कॉलोनी दिलाने के एवज में 20,000 रुपए ऐंठ लिए और भवन अभी तक नहीं दिलाया, जिसको लेकर महिला ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और भ्रष्ट सचिव पर 20,000 रुपए ऐंठने का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो जालौन से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर इस वक्त सरकारी कर्मचारी ही सरकार के आदेशों का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि कालपी तहसील के भगौरा गांव से मामला सामने आया है, जहां पर गांव के सचिव पर एक गरीब विकलांग महिला ने गंभीर आरोप लगाया है, जहां पर उसने कहा है कि सचिव ने सरकारी आवास देने के नाम पर 20,000 रुपए ऐंठ लिए और अभी भी उसे सरकारी आवास योजना का फायदा नहीं दिया। वहीं मिशन शक्ति के फेज 3 कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश में लगातार किया जा रहा है, इसी के तहत रायबरेली में भी मेगा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को सांकेतिक भूमिका के निर्वहन के लिए दायित्व दिया गया, जिसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रा 8 की छात्रा को एक दिन की BSA बनाया गया है। BSA का चार्ज संभालते ही छात्रा ने सिर्फ कार्यालय का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि टॉयलेट में गंदगी पाए जाने पर उसकी साफ सफाई के भी निर्देश दिए हैं। एक दिन के BSA बनने के बाद छात्रा का कहना है कि इस पद के दायित्व के निर्वहन को करते हुए मैं सबसे पहले, जो पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस के कारण पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसे वंचित छात्र छात्राओं के लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाने की व्यवस्था करूंगी और अध्यापकों को भी समय पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को पठन पाठन में मदद करने के लिए निर्देशित करूंगी। मैं BSA बन के समाज की सेवा करूंगी और पर्यावरण से पेड़ पौधे लगाऊंगी, जिससे सबको ऑक्सीजन मिल सके, और एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाऊंगी कोरोना की वजह से, और भी बहुत काम करूंगी। शासन से एक दिन का कार्यालयाध्यक्ष का पद बच्चियों को देने का निर्देश प्राप्त था, उसके अनुक्रम में सांकेतिक रूप से 2 बच्चियों को BSA और 1 बच्ची को खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बनाया गया है। इनके माध्यम से इन बच्चियों में नेतृत्व कौशल का विकास हो, साथ ही समाज की अन्य बच्चियां, हमारे विद्यालयों की अन्य बच्चियां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए। वह अलीगढ़ के थाना कुआरसी इलाके की जमालपुर पुलिस चौकी के सामने रेलवे ट्रैक के निकट एक दिन पहले लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का गला और हाथ की कलाई कटी हुई है, जबकि सर पर गंभीर चोट लगी हुई है। शव के पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। वहीं इसको लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही फरीदाबाद में 5 साल पहले किडनैप हुई 3 महीने की बच्ची के किडनैपर को बच्ची की मां ने 5 साल बाद खोजने के बाद साफ निकाल लिया। आपको बता दें कि थाना कोतवाली में तैनात तत्कालीन SHO ने उस समय कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए फाइल बंद कर दी थी, लेकिन बच्ची की मां ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे फरीदाबाद में 5 साल तक घूम घूम कर आरोपियों की तलाश करती रही। बता दें कि बीते साल 2016 की यह पूरी घटना है, जहां पर NIT 1 नंबर मार्केट में बच्ची का 2 महिलाओं और 1 युवक ने मिलकर ऑटो से अपहरण कर लिया था। बच्ची की मां की निशानदेही पर आरोपियों को पुलिस ने दबोच कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। फरीदाबाद से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक खोई हुई बच्ची को एक मां ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की लापरवाही भी इस पूरे मामले में देखी गई, जहां पर 2016 से लापता हुई बच्ची को पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही है। वहीं 5 साल बाद अपनी छोटी सी बच्ची को ढूंढने के लिए महिला लगातार मेहनत करती रही, जिसके बाद अब महिला को सफलता मिली है। थाना कोतवाली में तैनात तत्कालीन SHO ने उस वक्त खानापूर्ति कर दी थी, जहां पर खानापूर्ति करते हुए पूरे मामले की फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन बच्ची की मां ने हिम्मत नहीं हारी और वो फरीदाबाद में घूमते हुए 5 साल तक उसने आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद अब NIT 1 नंबर मार्केट से गायब हुई बच्ची को बरामद कर लिया गया है। वहीं महिला की निशानदेही पर आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फरीदाबाद संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मनोज, फरीदाबाद से मामला सामने आया है जहां पर 2016 में अगवा हुई बच्ची को अब सकुशल बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप से लगभग 5 साल पहले यानी कि साल 2016 के अंदर इस लड़की को 2 महिलाओं और एक ऑटो ड्राइवर, तीनों ने मिलकर किडनैप कर लिया था जो NIT की एक नंबर मार्केट है वहां से। उसके बाद महिला जो है, इसकी बच्ची की जो माँ है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपनी बच्ची को तलाश करने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटकती रही। और सबसे बड़ी बात आ दूं कि महिला जो है, इस बच्ची की जो अपहरण जो की गई थी बच्ची, इसकी जो माँ है वो पुराने कपड़े लेकर बर्तन बेचने का काम करती थी, बेहद गरीब स्थिति थी, लेकिन पाने हिम्मत ना हारते हुए उसको लगातार जो है ढूंढने का प्रयास किया। इसी प्रयास की कड़ी में एक ऊंचा गांव है यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर ही, उसके वहां पर जाने के बाद उसको अचानक दिखाई दिया कि ये शख्स शायद उस शख्स से मेल खाता है जिसने उसकी बच्ची को किडनैप करने में उन दोनों महिलाओं की मदद की थी। तो उसने जो थाना कोतवाली है जहां पर ये FIR दर्ज की गई थी, वहां पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद वहां से पुलिसकर्मी उसके साथ गए। सूचना मिलने के बाद जैसे पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने जो आरोपी था उसको धर दबोचा, और धर दबोचने के बाद उससे पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने के बाद उसने अपना जुर्म को कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद उन्होंने जो है जो दिल्ली का जो मटियाला इलाका है वहां से जो दोनों आरोपी महिलाएं थी उनको भी वहां से गिरफ्तार कर लिया। अब फिलहाल जो है पुलिस ने आज इनको कोर्ट में पेश किया है जहां से इनको रिमांड पर लेने की पुलिस कोशिश करेगी, और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस तरीके से पुलिस के मुताबिक गहनता से छानबीन करने के बाद ही माँ बाप को सपोर्ट किया जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद से पूरा मामला सामने आया है जहाँ पर 5 साल बाद अगवा हुई बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं मिर्जापुर में कक्षा 9वीं की छात्रा वर्षा दुबे एक दिन की CMO बनाई गई। आपको बता दें कि मिशन शक्ति फेज 3 के तहत मेगा इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को सांकेतिक भूमिका निर्वहन के लिए छात्रा को शामिल किया गया था। छात्रा 9वीं की नेशनल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा बताई जा रही है जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। CMO की कुर्सी संभालते ही छात्रा ने कार्यालय में फाइलों का निरीक्षण किया। विभागीय कागजात के निरीक्षण के साथ कार्यालय में फिटनेस कराने आए छात्र का फिटनेस कराकर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश भी दिया। मैं आज एक दिन के लिए CMO बनी हूँ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक दिन के लिए CMO बनी और मेरी यही कामना रहेगी कि मैं आगे चल के इस पद पे अपने दम पे बैठूं। और मैं चिकित्सा में गरीबों के लिए और अच्छी सुविधा बनाना चाहती हूँ, गरीबों को अच्छी अच्छी सुविधा मिले और हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की उपस्थिति हर समय पर है और एक महिला डॉक्टर हर समय। वहीं रायबरेली में जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला जिसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। महाराजगंज इनहोना मार्ग जर्जर होने पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश जताया है जहां पर सैकड़ों की संख्या में अर्धनग्न होकर जर्जर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बीते कई सालों से ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। महाराजगंज इनहोना मार्ग लगातार अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक नहीं बन पाया है। छोटे ये जो तहसील के अधिकारी हैं इनके पास कुछ है नहीं। PWD वाले आए, एक्शन आए और तहसीलदार साहब आए, SDM साहिबा आई, तो इनके पास कुछ है नहीं कुछ करने को। ये तो व्यवस्थाओं के लिए आ रहे हैं, सड़क थोड़ी बना सकते हैं, ना सड़क की पैरवी कर सकते हैं। ये अपने प्रशासन को ऊपर अवगत कराएं जो बड़े। वहीं फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिबलाहा कस्बे का मामला सामने आया है जहां पर रहने वाले युवक के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस है। आज जब पटाखा निर्माण कर रहा था तभी अचानक बने हुए पटाखों में आग लग गई और विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद पूरे मकान में धुआं धुआं हो गया। स्थानीय लोगों के धमाके की आवाज सुनकर वो दहल गए और उन्होंने तत्काल पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हुई 3 महिलाओं को प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि पटाखा लाइसेंस धारक सभी मानकों को पूरा करते हुए गांव में पटाखा बनाने का काम कर रहा था, फिर भी यह हादसा हो गया। वहीं गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां प्रेमी ने ही प्रेमिका के 4 साल के बच्चे का अपहरण किया। आपको बता दें कि प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था, वहीं प्रेमी ने उसके 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया जिसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में अपना नाम बताया। अपहरणकर्ता का नाम राजू कनौजिया बताया जा रहा है जिसने बताया कि अपहृत बच्चे की माँ से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी भनक प्रेमिका के पति को लग गई थी। वह हम लोगों के रिश्ते को तोड़ने पर लगातार दबाव बना रहा था, इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए बिना
बिना किसी को बताए मैंने 20 अक्टूबर को उसके बच्चे को बेला फुसलाकर अपहरण कर लिया। 21 को समय करीब 11 बजे ग्राम विशंभरपुर थाना चोरी चौरा से धीरेंद्र गौड़ ने यह सूचना दिया कि उनके 4 वर्षीय पुत्र अंशु का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर थाने में FIR दर्ज की गई और गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गईं, जिसमें सर्विलांस की मदद से 24 घंटे के अंदर उस बच्चे की बरामदगी कर ली गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।